नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी सिंह। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के टैगोर गार्डन में स्थित पैसिफिक मॉल में फॉरएवर 52 की लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त रही, जिन्होंने अपने हाथों से रिबन काट कर फॉरएवर 52 के ब्यूटी स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीनाक्षी दत्त ने फॉरएवर 52 के मेकअप से अपनी मॉडल्स का मेकअप किया। इस अवसर पर मीनाक्षी दत्त ने फॉरएवर 52 के मेकअप के बारे में बताया कि डेली लाइफ फॉरएवर 52 एक वैश्विक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है जो प्राकृतिक सुंदरता और आत्म अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उच्च गुणवत्ता वाले किफायती मेकअप की दृष्टि से स्थापित ये सभी त्वचा टोन और शैलियों के लिए उत्पादों की एक विविध रेंज प्रदान करता है। सो दीज आर द एमडीएम ब्राइड्स जो तैयार हुई है फॉरएवर 52 प्रोडक्ट से। सो यू कैन सी वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, नेचुरल है एंड दे आर लुकिंग स्टनिंग, ग्लो तक कर रही है। एक्चुअली मेकअप जनरली एसोसिएटेड होता है विद द यूथ, विद द यंगर जनरेशन, बिकॉज ब्राइड्स के काम आता है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स यूज़ करती हैं, फैशन ओरिएंटेड गर्ल्स यूज़ करती है। सो द यूथ इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स विच आर पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो फॉर देम, विच आर लॉन्ग लास्टिंग एंड जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे वो लुक्स क्रिएट करना चाहते हैं। सो फॉरएवर 52 इज़ वन अप ऑन दैट। वो बिल्कुल अपडेटेड है विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, विद द लेटेस्ट शेड्स, विद द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। और बेस्ट पार्ट प्रोडक्ट इस ब्रांड का ये है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्किन फ्रेंडली हैं एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर मेकअप आर्टिस्ट्री फ्रेंडली एंड दे आर नाउ अवेलेबल एट रिटेल। सो बहुत इजी है फॉर पीपल टू एक्सेस इट एंड लुक लाइक यू नो उन्होंने खुद मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फॉरएवर 52। हाई, माय नेम इज़ कनिष्का। हमारा मेकअप मीनाक्षी मैम ने किया है। एज यू ऑल कैन सी इतना स्वेट हो रहा है बट मेकअप अभी तक नहीं हिला है। आई ऑलवेज लव वर्किंग विद हर, शी इज़ सो अडोरेबल। हाई, मेरा नाम नितिका है और मेरा मेकअप एमडीएम मैम मीनाक्षी मैम ने किया है और बहुत अच्छा मेकअप लगा है मुझे। थैंक यू सो मच। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।